नहीं, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर. डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ वैरायटी ऑफ लाइफ. ओके, एज यू नो दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ. इट मींस के हमारे पास क्या होती है, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट किस्म होते हैं किसके, लाइफ के. तभी हम जो है वो क्या बोलते हैं, वैरायटी ऑफ द लाइफ. ठीक है, यानी कि लाइफ के क्या है, बहुत सारे किस्म है. ठीक है, वैरायटी है. ठीक है, तो अब जब हम इसकी बात करते हैं, ड्रामेटाइज करते हैं जब इसको, रिमार्केबल को, तो हमें पता है कि वायरसेस जो है ये क्या है, एक कनेक्शन है. ठीक है, यानी कि वायरस जो है इसको हम काउंट करते हैं कि ये लिविंग भी है और नॉन लिविंग है. ठीक है, हम वैरायटी डिफरेंट एनिमल्स को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, वायरसेस को, कि ये वायरसेस जो है वो क्या होते हैं. ठीक है, अब वायरसेस जो होते हैं ये हम इनको बोलते हैं कि ये बॉर्डर लाइन है. ठीक है, ये क्या है, बॉर्डर लाइन है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. ठीक है, नॉन लिविंग. ठीक है, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में एक बॉर्डर लाइन है वायरसेस. ठीक है, क्योंकि जब ये सेल के अंदर होते हैं तब ये लिविंग होते हैं, और जब ये सेल के बाहर होते हैं आउटसाइड द सेल, देन ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं. ठीक है, तो तभी हम इनको बोलते हैं कि दे आर द बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग. ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच पजेस वन सिंगल सेल ओनली, सो दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स. एंड सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव सेल वॉल, एंड सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डू नॉट पजेस सेल वॉल. ओके, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास ऐसे होते हैं यूनिसेलुलर जिनके पास सेल वॉल होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती. ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी एक क्या है, वैरायटी है. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हाउ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द क्लासीफाइड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नो दैट व्हाट इज क्लासिफिकेशन. बेसिकली क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी इज द सेम थिंग. क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी इज द सेम थिंग. इट मीन्स क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टैक्सोनॉमी. ठीक है, इसको हम टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं. ठीक है, टैक्सिस का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, एंड नॉमी का मतलब क्या होता है कि कोई भी लॉ. ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी में हम क्लासीफाई करते हैं किसको, ऑर्गेनिजम्स को. ठीक है, सो क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज. ओके, सो दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं किस बेस पे, कि उनमें सिमिलरिटीज़ कौन सी हैं और इनमें डिसिमिलरिटीज़ कौन सी है. और जो टैक्सोनॉमी और का फादर है, जो क्लासिफिकेशन का फादर है, वो है कार्लस लिनियस. ठीक है, सी लिनियस हम इसको बोलते हैं. ठीक है, ये है फादर इसका, जिसने क्या किया था, सबसे पहले क्लासिफिकेशन दी थी, और इसने जो एवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था टू सब यूनिट्स में, एक को बोलते हैं जीनस, दूसरे को हम बोलते हैं स्पीशी. ठीक है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज. एंड कार्लस लिनियस इज द वन साइंटिस्ट व्हिच क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स, एंड ही ऑल्सो गेव द बायनोमियल नोमेनक्लेचर. ओके, सो व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर, साइंटिफिक नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर व्हिच इज गिवन बाय द कार्लस लिनियस. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाई वी नीड द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, व्हाई नीड एंड बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, आखिर इस क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी. ठीक है, क्लासिफिकेशन हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्यों क्लासिफाई किया, एज यू नो दैट देयर आर द वैरायटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सम हैव सेल वॉल, सम डू नॉट पजेस सेल वॉल, सम हैव क्लोरोफिल एंड सम हैव नॉट क्लोरोफिल, एंड सम ऑर्गेनिजम्स आर द यूनिसेलुलर, सम आर द मल्टी सेलुलर, एंड देयर आर सो मैनी डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम. सो वी द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग डिवाइडेड इन टू टू बेसिक किंगडम, दैट वर द एनिमल किंगडम एंड द प्लांट किंगडम. बट
these two kingdoms were not capable of the classify the living organisms in different kinds of the living organisms. ठीक है, तो अब क्या किया गया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया, ठीक है, क्योंकि वो इन टू किंगडम्स में वो नहीं हो पा रहे थे. हमारे पास कुछ ऐसे थे किन में सेल वॉल था, तो किन में नहीं था. ठीक है, तो इस वजह से क्या किया गया, नीड पड़ी और बेसिस पड़ी किसकी, क्लासिफिकेशन की. ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कि कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो पॉइजनस थे, कुछ एनिमल ऐसे थे जो कि डेंजरस थे, खतरनाक थे. ठीक है, तो क्या हुआ कि इनको जो है वो क्लासिफाई किया गया. ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं किसका, पेटल लेंथ का. एग्जांपल लेते हैं हम किसका, पेटल लेंथ का. ठीक है, अब हमारे पास टू कैरेक्टर होता है, एक होता है कलर और दूसरा होता है लेंथ. तो ये क्या हो गए, टू जो है वो कैरेक्टर हो गए इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के. ठीक है, अब पेटल लेंथ जो है वो लेंथ है, ये क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है प्लांट का कैरेक्टर. इट इज कंसीडर्ड एज प्लांट कैरेक्टर. ओके, बट पेटल लेंथ 20 मीटर, फॉर एग्जांपल पेटल की जो लेंथ है वो कितनी है, 20 मिलीलीटर है. ठीक है, 20 जो है ये इतनी इसकी क्या है, मिलीमीटर इसकी लेंथ है. किसकी, पेटल की जो है वो 20 मिलीमीटर इसकी क्या है, लेंथ है. ठीक है, तो अब ये जो लेंथ है इसकी 20, ये क्या है, इसका एक्सप्रेशन है. ठीक है, ये क्या है, इसका कैरेक्टर का एक्सप्रेशन है. ठीक है, तो अब देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है. ठीक है, किस किस में, होमोलॉजी में. ठीक है, कंपैरेटिव जो है वो होमोलॉजी में, कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री में, साइटोलॉजी में एंड जेनेटिक्स में. ठीक है, इन ब्रांचेस में जो है वो क्या किया गया है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो है वो बताया गया है. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दीज ब्रांचेस. And your homework is you have to make some MCQs from this topic. Allah Hafiz.